सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y200e डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर पावर ऑफ पासवर्ड सेटिंग्स को इनेबल कैसे करेंगे। गाइस, एक ऐसी सेटिंग्स है जिसको अगर आप इनेबल करते हैं तो जब तक आपके स्क्रीन का पासवर्ड किसी पर्सन को नहीं पता होगा या आपको भी नहीं पता है तो आप भी अपने फोन को पावर ऑफ और रिस्टार्ट नहीं कर सकते। और ये काम आता है ऐसे केस में, थिंक अबाउट कि अगर आपका फोन कहीं लॉस हो गया, किसी पर्सन को मिल भी गया, मोस्ट ऑफ केसेस में लोग पावर ऑफ करने की ही कोशिश करते हैं, बट अगर उनको स्क्रीन लॉक का पासवर्ड नहीं पता है तो उसे स्विच ऑफ नहीं कर सकते। और आसपास एनवायरनमेंट में अगर खोया हुआ है तो आप उसे इजीली जो है लाइक ट्रैक कर सकते हो, फाइंड माय डिवाइस के जरिए भी कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि अभी आपका फोन आपके आसपास ही है तो वेल भी कर सकते हो, क्योंकि पावर ऑफ तो होगा नहीं, तो इस सेटिंग को आप भी अपने फोन के अंदर इनेबल कर सकते हैं। वेल गाइस, इसके लिए ओपन करना होगा हमें अपने फोन सेटिंग को। सेटिंग्स हमने ऑलरेडी ओपन करा हुआ है, स्क्रॉल करके इसमें नीचे आना, एक सेटिंग्स होगी प्राइवेसी का, ध्यान रखना इसको आपको प्रेस करना है इस तरीके से। एंड गाइस, इस तरह से मल्टीपल इंटरफेस मिलेगा आपको, एंड स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, एंड यहाँ पर एक ऑप्शन होगा अनलॉक टू पावर ऑफ। अगर ये ऑप्शन आपका डिसेबल्ड है, जैसे कि मैंने इसे डिसेबल कर दिया, तो ऐसे केस में ये काम नहीं करेगा, तो आप इसको इनेबल कर दीजिए। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे तो आपके फोन के अंदर ये सेटिंग्स इनेबल हो जाएगी। एंड हाँ, इसी को नहीं ऑन करना, जो ओपन कंट्रोल सेंटर फ्रॉम द लॉक स्क्रीन सेटिंग्स है उसको डिसेबल कर लेना। होता है कभी कभी क्या कि अगर कोई पर्सन ऑफ तो नहीं कर पा रहा है, बट आपका अगर कंट्रोल सेंटर डाउन होगा तो वहां पर दिक्कत होगी, वो उसे फ्लाइट मोड में भी डाल सकता है, तो ध्यान रखना उसको भी ऑफ कर लेना। इस पे मैंने कंट्रोल सेंटर को लॉक स्क्रीन पे इनेबल कैसे करना, डिसेबल कैसे करना, उस पर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी है, तो जाके चेकआउट कर सकते हो, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा।